हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, पहला साइंटिस्ट था हर्ट्ज जिसने लैब के अंदर ईएम वेव की जनरेशन करके दिखाई। तो बस अपरेटस पे आओ सीधा, उसने क्या किया, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और ये इंडक्टर है, इंडक्टर का मतलब एल और ये सी, तो उसने एल सी ऑसिलेशंस की। उसने कैपेसिटर की प्लेट के साथ तार जोड़ी और दो छोटे 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 दो पतले से फेयर इकट्ठे कर लिए, बहुत पास गैप छोड़ा हुआ है बीच में। तो उसने क्या किया, ऑन किया, एनर्जी कभी एल के पास कभी सी के पास, कभी एल के पास कभी सी के पास, इसको एल सी ऑसिलेशन बोलते हैं। अब एल सी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पर हवा में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया और वहाँ से क्या जनरेट होगी, ई एम वेव। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर एनर्जी आगे जा रही थी, आगे एक रिंग लेके बैठ गया, रिंग के आगे दो पतले से फेयर हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पर ई एम वेव आई, रिंग को उसने घुमाया, घुमाया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कोइंसाइड कर गया और यहाँ इंडक्शन से चार्जेस प्रोड्यूस हो गए और यहाँ पर स्पार्क हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्पार्क जनरेट किया, तो सबको लगा कि हाँ इतनी दूर से बिना तार के स्पार्क जनरेट हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ट्रेवल कर गया। ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था। असल में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटर देखने में ऐसा था, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये गैप है, ये इंडक्टर है और ये रिंग है जिसमें ई एम वेव जनरेट हो गई, यहाँ पर स्पार्क जनरेट हुआ। तो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट।